आज की इस वीडियो में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जूनियर इंजीनियर समेत यहाँ पर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन नहीं है। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाती है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में दिया गया है। इनकेस अगर आपको लिंक से ज्वाइन होने में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप एक मैसेज करोगे तो तुरंत आपको लिंक वगैरह रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिस है और ये जो है इंडियन सिटीजन के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की है। तो इसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 12 मार्च से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसका इंपॉर्टेंट डेट है 12 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर मेंशन है कि इन केस ऑफ ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हैज़ टू बी एक्सटेंडेड, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल रिमेन सेम, जो कि कट ऑफ डेट इसकी 11/4/2024 यहाँ पर रहने वाली है। तो इस डेट से पहले का सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें जो भी इसमें रिक्रूटमेंट की रूल है या जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया। इसमें जो है जेई समेत बहुत सारे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई, तो मैं बारी बारी सभी कुछ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखें किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर दिया गया, तो 35 से कम आपका एज यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी का एक पोस्ट है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ भी कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है बीएड और एनईटी नेट या एसएलईटी, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में एमएड या एमफिल कर रखे हैं तो यहाँ पर उनको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में अगर आप कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी का है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी बीएड या नेट का क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें कि बैचलर डिग्री ऑफ और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से कर रखें विथ इकोनॉमिक्स कमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और में करके और भी सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, एमबीए भी यहाँ पर दिया गया, तो ये सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जेई का जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, इसमें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेंशन है वो है बी बी टेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्रॉम AICTE। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेई के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको बी बी टेक यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया। इसमें डिप्लोमा मेंशन नहीं है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में डिप्लोमा, बी बी टेक बहुत सारे पोस्ट में दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, बहुत सारे पोस्ट में डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं। इस केस में आपको यहाँ पर ओनली बी बी टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया। तो जो बी बी टेक कर रखे हैं सिविल ब्रांच में वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर अकाउंटेंट का, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगा गया। अगर आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज़ ये सभी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है जिसमें 12th क्लास यहाँ पर अगर आप पास है तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर 12th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। एंड में करके टाइपिंग स्पीड 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर आपके पास ये होना चाहिए। एज लिमिट 27 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। अपर एज लिमिट में कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे एज में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, कट ऑफ डेट 11/4/2024 है डेट कैलकुलेशन का। और अगर आप यहां पर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 10 ईयर का, PWD OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 और PWD SC ST से करते हैं तो 15 ईयर का यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डेट में नोटिफिकेशन है और कल से 12 मार्च से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे।
और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर होने वाली है। ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सभी पोस्ट यहाँ पर दिया गया, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे जो भी अलग अलग पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 18, 16, 8, 22, तो ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया। बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो ये ग्रुप बी में आता है और इसके लिए लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे 17, ये टोटल परमानेंट जॉब्स यहाँ पर 17 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है। अब बात करते हैं इसमें कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे, तो इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है यहाँ पर आप देखोगे अनडिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ग्रुप ए की जो भी पोस्ट है इनके लिए 1500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है, और जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट है इनके लिए 800। तो जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट आता है ये आपको ग्रुप बी में आता है, तो इसके लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे, और ग्रुप ए की जो भी पोस्ट है सभी के लिए 1500। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी या एक सर्विसमैन या वीमेन कैंडिडेट या रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉय है, तो उन लोगों को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगा गया है। पेमेंट जो है आप लोग ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट आप लोग यहां पर पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो अलग अलग जो जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए अलग अलग यहां पर क्वालिफिकेशन और अलग अलग यहां पर एग्जामिनेशन की प्रोसेस भी यहां पर अलग अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी पोस्ट है उनके लिए क्या यहां पर एग्जामिनेशन का स्कीम यहां पर दिया गया है। बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो यहां पर आप देखोगे तो इसके लिए एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस ओएमआर बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें कि ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स यहां पर क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 300 यहां पर आपको 300 मार्क के लिए ये एग्जाम्स यहां पर होने वाली है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क आपको यहां पर दिए जाएंगे। बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहां पर जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं सभी में आपको कुछ ना कुछ सिटी यहां पर दिए गए हैं, तो ये सभी सिटीज़ में आपकी एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, और कल इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, और इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर आप व्हाट्सएप पर अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी।